आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप रेपोसो ऐप पर दर्द भरी शायरी, जी हाँ, अपनी वीडियो के साथ लिरिक्स वीडियो कैसे बना सकते हैं, अपनी वीडियो में लिरिक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और दर्द भरी शायरी कैसे बना सकते हैं। सो इस वीडियो में बने रहना पूरा, आपको लाइव दिखाऊँगा जो मैंने बनाया, आपको प्रूफ दिखाऊँगा, आपको आई होप सो कुछ सीखने को मिलेगा यार। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उससे पहले माय नेम इज़ मनिंदर, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त, और आप देख रहे हैं फन विद टेक मनी, यानी कि यहाँ पे मिलते हैं आपको मस्ती भी, ज्ञान भी। तो इस वीडियो में बने रहना पूरा का पूरा। चलो देखते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो आपको ऐसे वीडियो शूट कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सैड में, थोड़ा उसमें फीलिंग्स के साथ, लाइक ओके। तो शूट करने के बाद अब आते हैं यहाँ पर टैक्स में, यहाँ पर स्टिकर दिख रहा होगा, स्टिकर और टैक्स यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे और आपको एटलीस्ट अगर आपके कुछ बना सकते हो आप खुद लिख लेना, तो गूगल पर जाना और दर्द भरी शायरी कुछ भी यार, मतलब सर्च कर लेना, आप इतना समझदार हो ही जहाँ से अपन। हाँ, तो ये मुझे ठीक लगा, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहली लाइन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम वीडियो पर। आफ्टर दैट हम ऐसे ही कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है जी। पेस्ट कर लिया, अब यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, इसके टेक्स्ट के कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसमें आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप यहाँ पे ए चोरस ये बना हुआ है, स्केयर बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हम दोबारा जाएंगे यहाँ पर और हम देखेंगे, ये देखिए तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, आपके बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा लिरिक्स के। तो आप इसको यहाँ से डन कर देंगे, और डन करने के बाद आप यहाँ से ये लिखा हुआ है होल्ड अप्लाई इफ़ेक्ट, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे हम और यहाँ से होल्ड अप्लाई इफ़ेक्ट करेंगे, यहाँ से ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं दो फिंगर की मदद से, आप इसको ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम अगली लाइन पर आएंगे, वहीं जाएंगे, कॉपी करेंगे, आफ्टर गया कॉपी, ठीक है जी। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे दोबारा, फिर हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे, ठीक है जी। प्रक्रिया दोहराने के बाद हम इस पर ऐसे आ जाएंगे, फिर हम वही क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक कर लेंगे हम, उसके बाद ये थोड़ा आगे आ जाएंगे और फिर इसको होल्ड, इसको यहाँ से ये दिख रहा है आप, इसको यहाँ से क्लिक करके उसके बाद यहाँ से होल्ड करेंगे दोबारा, ठीक है। इसको फिर अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ओए सोने हो कितने चलिए, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर हम दोबारा जाएंगे और फिर उसके बाद कहाँ गया लिरिक्स, हाँ, इसमें फिर क्लिक करेंगे और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट लिरिक्स रह रहा है हमारा, उसके बाद फिर जाएंगे ऐड टेक्स्ट में और फिर उसके बाद यहाँ पर मगर कम्बक आँखों ने बगावत कर दी, इसको हम कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद पेस्ट करेंगे। थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए यार, आप इसी रिकॉर्डिंग एक्ट करना, ठीक है, ताकि प्रोफेशनल लगे, मज़ा आए देखने वालों को भी। और आई होप सो ऐसे स्टेटस शेयर भी बहुत होते हैं, तो आपकी स्टेटस हैं वो शेयर हो तभी आपको फ़ायदा है ना यार, मतलब ये। अब हम आएंगे यहाँ पर, इसको करेंगे छोटा मोटा, ओह आगे पहुँच गए, तो फिर इसको होल्ड करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे और फिर इसको छोटा कर देंगे, छोटा 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 हो जा बेटा छोटा, इसको छोटा कर देंगे। चलो जी, ठीक है, अब हो गया है डन, यहाँ से हमारा स्टेटस देख लेते हैं। हाँ, स्टेटस है अपना, जाने लोग, अबे दोबारा पढ़ने दे, जाने लोग जब वो छोड़ के दामन मेरा, जाने लगे जब वो छोड़कर दामन मेरा, टूटे हुए दिल ने, इसको थोड़ा बड़ा कर दे, टूटे हुए दिल ने सोचा था छुपा लेंगे गम अपना, मगर कमबख्त आंखों ने बगावत कर दी। ओह वाह 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 वाह, मतलब तबाही है भाई। तो इसको हम करेंगे स्टॉप, नहीं इसको यहाँ से करेंगे डन। अगर आप कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ से इफेक्ट का ऑप्शन है, और फिर लास्ट में जहाँ से हमारे लिरिक्स ख़त्म होते हैं थोड़ा बहुत अट्रैक्शन के लिए इफेक्ट दे देंगे, और फिर ये कर लेंगे ब्लैक एंड वाइट कर देंगे और थोड़ा ऐसे कर देंगे, और जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा।
तो ऐसे ही आप लिरिक्स वीडियो बना सकते हैं और इसको हम आपके सामने पोस्ट करेंगे। और हैशटैग आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो देख लेना आप, ठीक है। पहले हम डालेंगे फिल्मिस्तान, फिल्मिस्तान मूवमेंट, ये टॉप हैशटैग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका प्लीज़ ध्यान रखना। इस हैशटैग से आपकी वीडियो वायरल होती है और आपको कॉइन्स जीतने के चांस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो चेक करेंगे हम फिल्मिस्तान बीट्स चैनल होता है इनका, कहाँ गया बीट्स, अभी बेइज्जती कराएगा, ये आ गया बीट्स चैनल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हार्ट ब्रोकन HEAR, यार जो आपकी वीडियो होती है ना उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको हैशटैग लगाना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दर्द, ओहो हो हो, दर्द दर्द नहीं उठा रहा भाई, आ गया दर्द मोहब्बत, क्या बात है। शायरी आ गया भाई, शायरी, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे पोस्ट, ये हो गया पोस्ट, ठीक है भाई, ये पोस्ट प्रोसेसिंग चल रही है। अब आ जाएंगे प्रोफाइल है, पोस्ट हो जाएगा, मुझे फॉलो कर सकते हो भाई। और 42,000 कॉइंस अभी 3 दिन में हुए हैं मेरे, और थैंक यू सो मच जिन्होंने फॉलो किया, 300 फॉलोवर्स हो चुके हैं। ऐसे ही प्यार बरसाते रहें और ऐसी दर्द भरी शायरी लाते रहें और आप भी पोस्ट करते रहें, बहुत अच्छा चांस है यार, आप भी फेमस हो सकते हो और व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं और कॉइन्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अभी वीडियो डाली थी 1 घंटा पहले और 1,000 कॉइन्स इसके मिल चुके हैं। तो आप भी यार ऐसी वीडियो बनाओ और पोस्ट करो, दिल से प्यार करो अपनी इंडियन ऐप को, और जितने भी इंडियन ऐप्स हो जहाँ जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आप वीडियोस बनाओ और पोस्ट करो। हे गाइस, तो देखा आपने आप अपनी वीडियो में किस तरह लिरिक्स ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी वीडियो में लिरिक्स ऐड करके आप पोस्ट करके रिपोस्टों पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन अर्न कर सकते हैं और आप उसको अपने पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता पेटीएम में कैसे ट्रांसफ़र करना है तो मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देखना और देखना कि आप कैसे मतलब पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच।